हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिहारी स्टाइल अंडा पकौड़ा बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अंडा पकौड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 4 मीडियम साइज आलू को बॉईल करके छील लिया है और 5 मीडियम साइज आलू को बॉईल करके छील लिया है और यहाँ पे 4 अंडे को मैंने बॉईल करके छील लिया है। और अब हम आलू को मैश करके साइड कर लेंगे। ये आलू बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं, मैंने इसे प्रेशर कुकर में गलाया था। ऐसे तरीके से आप सारे आलू को मैश कर लें और मैश करने के बाद साइड करके रख लें। और यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इस आलू का एक मिक्सचर बनाएंगे, इसे मसालों में डाल के भुनेंगे। तो चलिए अब मसालों के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम उसे देख लेते हैं। आलू का मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 6 से 7 हरी मिर्च, 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा अदरक और धनिया के पत्ते जो फाइनली चॉप्ड हो, 1/2 टीस्पून 5 फोड़न और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का ही यूज़ किया है, इसलिए आप ध्यान रखें कि हरी मिर्च को ही ज़्यादा क्वांटिटी में लें, ऐसा ना करें कि भूखे हुए मिर्च ले लें, क्योंकि भूखे हुए मिर्च का इसमें यूज़ नहीं होगा। अब सबसे पहले हमने जो अदरक लिया था, उस अदरक को और ये मिर्च को हम सबको साथ में मिला के कूट लेंगे। ध्यान रखिए आपको पेस्ट नहीं बनाना है, आपको एक दरदरा कूट लेना है। इमाम वास्ते में जो कूटने के लिए रहता है उसी से आप इसे कूट ले अच्छे से। और यहाँ पे हमने अदरक और मिर्च को 60% के लगभग कूट लिया है। इसी समय हम इसमें 8 से 9 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से कूट लेंगे। और यहाँ पे हमने इसे अच्छे तरीके से कूट लिया है, तो अब हम बढ़ते हैं आलू का मसाला बनाने की ओर। और यहाँ पे आलू का मसाला बनाने के लिए हमने कढ़ाई को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। अब हम तेल में डालेंगे 5 फोड़न, और इसके बाद हमने जो मसाले यहाँ बना के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जो कुटे हुए मसाले थे उसे हम इसमें डाल देंगे। डाल के 1 मिनट से भी कम आपको ऑयल में से सॉटे करना है। और इसे सॉटे होते हुए 1 मिनट के लगभग हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, डाल के इसे चला लें। और चलाने के बाद तुरंत में इसमें आलू जो हमने मैश करके रखा था वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम सारे आलू इसमें डाल देंगे। जब आप आलू ऐड करें तो गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम कर दें, ताकि आपके जो मसाले हैं वो जलने ना लगे। और आलू डाल के हम इसे अच्छे तरीके से चला लेंगे। और यहाँ पे हमने इसे अच्छे तरीके से चला लिया है और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनना है हमें। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आप इसे हाई फ्लेम पे भूनते जाए। अब हम इसमें नमक ऐड करके इसे कुक करेंगे। और यहाँ पे आलू अच्छे तरीके से भुना गया है, इसे भुनने में 8 से 10 मिनट लग गए थे, तो अब हम इसमें धनिया के पत्ते डाल देंगे और डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा आलू का मसाला बनके तैयार है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अंडा पकौड़ा बनाने के लिए। और यहाँ पे हमारा आलू का मसाला बनके तैयार है, तो अब हम अंडे के पीसेस को कट कर लेते हैं। इस तरीके से इसे कट कर ले। आप चाहे तो इसे हाफ ही रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरीके से 4 पार्ट्स में कट करूँगी एक अंडे को। और आप इसी तरीके से सारे अंडे को कट करें। और यहाँ पे हमने अंडे के सारे पीसेस को कट कर लिया है। अब हम इन अंडे के पीसेस में आलू का एक लेयर लगाएंगे,
उसके लिए सबसे पहले आलू को इस तरीके से ले लें, और लेने के बाद इसे इस तरीके से बाउल्स में कन्वर्ट कर लें, और फिर हल्का हल्का हाथ से आप इसे प्रेस करें, और प्रेस करने के बाद इसे इस तरीके से इसके ऊपर लगा दें। आप चाहे तो पूरा भी कवर कर सकते हैं, और अगर आप ना भी करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और इसे इस तरीके से साइड करके रख लें। इसी तरीके से हमें इन सारे अंडों को आलू से कवर करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे अंडे को आलू से कवर कर लिया है। अब हमें इसे कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी एक स्लरी की, तो चलिए वो स्लरी बनाते हैं और देखते हैं उसमें हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। और यहाँ पे स्लरी के लिए मैंने 150 ग्राम बेसन लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक, साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं इसे। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत थी। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्सर की मदद से इसे अच्छे से चला लें, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं। और इसी के साथ हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसे ज़्यादा पतला ना करें, ये इतना ही ठीक होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसको बनाने की, और इसे हम तेल में डाल के फ्राई करेंगे। और अब हम अंडे के पीसेस को इस तरीके से इसमें ऐड करेंगे जो स्लरी हमने बनाई थी, और इसे एक चम्मच की मदद से आप इसे कवर कर दें स्लरी से, फिर निकाल के इसे आहिस्ता आहिस्ता गरम तेल में डालें। यहाँ पे ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। इस तरीके से हम सारे अंडे के पीसेस को इसमें डाल देंगे, और यहाँ पे हमने अंडे के सारे पीसेस को इसमें डाल दिया है। देख सकते हैं आप, ये साइज़ में बड़े हो रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से ही डालें, ज़्यादा इसे भर ना दें। जितना स्पेस हो उसी के हिसाब से इसमें ऐड करें, क्योंकि ये फूलते भी हैं। अब ये एक साइड से हो चुका है, तब हम इसे पलट देंगे। फ्लेम का ध्यान रखें, उसे हाई टू मीडियम ही रखें, बहुत ज़्यादा लो ना रखें, क्योंकि हमारे अंदर में जो एग्स है वो पके हुए हैं, उबले हुए हैं, और हमने जो आलू का मसाला लगाया हुआ है वो भी पके हुए हैं। और इस तरीके से हमने एक साइड इसे कुक कर लिया है, जैसे ही दूसरे साइड पक जाएंगे हम इसे सर्व करेंगे। और ये दूसरे साइड भी इसी के साथ कुक हो चुका है, अब हम इसे आहिस्ते आहिस्ते करके निकाल लेंगे। और इसी के साथ हमने दूसरे बैच को भी फ्राई होने के लिए डाल दिया है, और इसी तरीके से हम सारे अंडों को फ्राई करते जाएंगे। और इसी के साथ हमारा अंडा पकौड़ा बनके तैयार है। आप सब इसे एक बार ज़रूर बनाएं, और टेस्ट करके ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।